दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। राज्यसभा सभापति ने लगाई है मोदी सरकार के मंत्रियों को जमकर फटकार। उपराष्ट्रपति ने अपना है बागी तेवर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। संसद में खबर में आगे आपको बताते चलें, संसद को लेकर भी गंभीर नहीं है मोदी सरकार के मंत्री। राज्यसभा सभापति ने अनुपस्थित मंत्रियों को लगाई फटकार। वेंकैया नायडू ने कहा कि जिन मंत्रियों को आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखने हैं उन्हें अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में मंत्री जरूर हैं लेकिन इन्हें सदन की गरिमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है और बिना बताए या अग्रिम सूचना दिए ये लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों इससे पहले लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने भी मोदी सरकार के मंत्रियों को फटकार लगाई थी जब वह सदन में आपस में बातचीत करने लगे। वहीं सभापति ने फटकार लगाते हुए सीधे तौर पर बीजेपी मंत्रियों को और सांसदों को चेतावनी दी कि आइंदा से ऐसी गलती ना हो, अगर भविष्य में भी ऐसी चीजें होती हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। बाद में वेंकैया नायडू ने सत्ता पक्ष के सांसदों के एक एक नाम करके भी यहां पर उन्हें फटकार लगाई। देख सकते हैं बेहद गुस्से में नजर आए हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और सदन में ही बीजेपी सरकार में मंत्रियों को जमकर लताड़ लगाई है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।